जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हजारों वर्ष पुराना रहस्य जो आपसे छुपाया गया है, आपकी राशि से जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारे जातक इस विषय को लेकर इस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कई सारी तकलीफें देखने को मिलती होगी। अभी आप कोई रत्न अपने हाथों में धारण किए होंगे, आपने एक अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली भी दिखाई होगी, उन्होंने कहा होगा आप ये वाला उपाय करें, आप ये चीज़ें करें, और आपको बहुत सारी रेमेडीज़ उपाय उन्होंने बताए होंगे। पर एक उपाय या एक बात जो आपको कोई नहीं बताता है, वो रहस्य इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो जानकारी है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक जानकारी है। बहुत सारे जातकों ने इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया है, चीज़ों को किया है, तब जाकर ही ये चीज़ें मैं आपसे बीच शेयर करने वाला हूँ। होता ऐसा है कि जब भी हमारा मन उदास हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई सारे उपाय हमने किए, कई सारे प्रयास हमने किए, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके बाद भी हमें वो परिणाम नहीं मिल पा रहे जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सब लोगों से बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो आज ये रहस्य जानने के बाद शायद आपकी ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें या इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनमें आपको बहुत सारी चीज़ों में समझ आए कि हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल सही बात है। तो उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। अब हम सीधे से बात पर आते हैं। जो रहस्य है, जो आपको ना किसी ज्योतिषी ने बताया, ना आपको अपने घर में किसी ने बताया, और ना ही आपके किसी व्यक्ति ने आपको ये रहस्य बताया है, आपको एक मंत्र लेना है। अब ये बात थोड़ी सी यहाँ से वीडियो छोड़कर नहीं जाए, यहाँ से बातों को थोड़ी गंभीरता से आप समझ लें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे, वो किसी प्रकार से रत्न धारण नहीं करते थे, वो किसी प्रकार से ये जितने सारे उपाय और हल जो हैं ये नहीं करते थे, वो केवल और केवल एक मंत्र लेते थे। उस मंत्र का जाप एक वृक्ष के नीचे जंगल में कंटिन्यू करते थे। वो मंत्र या तो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, या राम का नाम, शिव जी का नाम, जो भी देवी देवता में आपका यकीन है, जिनमें भी श्रद्धा है, उनका नाम वो कंटिन्यू जाप करते थे। तो आप भी एक मंत्र लें, उसका कंटिन्यू जाप करें, वो आपको रत्न से ज़्यादा फायदा देगा, वो आपको इन उपायों से ज़्यादा फायदा देंगे, वो आपको शायद आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें उन चीज़ों से, मंत्र से मिलने वाली। पर शर्त है, उसे निस्वार्थ भाव से करना है। शर्त यह है कि अपने गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अगर कोई मंत्र नहीं है तो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले